किसान आंदोलन पार्ट वन के आगे तो आपने हथियार डाल दिए थे, तीन कृषि कानूनों का सार्वजनिक रूप से वापसी की का ऐलान किया। आपके शिकस्त की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आप ही बता रहे हैं ये यात्रा किसान आंदोलन पार्ट टू है। तो अगला सरेंडर कितना डरा रहा है आपको चिंतामणि जी? श्रवण जी को तो काफी उत्साहित करके हो गए, क्योंकि श्रवण जी बार बार कह रहे हैं कि इस यात्रा को गंभीरता से लीजिए और आपने इस कदर गंभीरता से ले लिया कि इसे किसान आंदोलन पार्ट टू करार दिया। तो आप तो हमारे आकलन के साथ जाते दिख रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मैं श्रवण गर्ग जी के आकलन को बड़ा मानता हूँ। जब भी इस देश में यात्रा निकली है तो उन पार्टियों का आधार बड़ा है इसमें। लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले, मुरली मनोहर जोशी जी निकले, 82 में चंद्रशेखर निकले, और भी महात्मा गांधी की पद यात्रा, ये इसमें कोई वो नहीं। लेकिन ये जो जुगाली कर रहे हैं, ये उन्हीं श्रेष्ठ यात्राओं को अपवित्र उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। भाई हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड में गिरफ्तारी ना हो जाए इसलिए 5 महीने यात्रा में रहो, अगर उठा लिए जाएंगे तो कहेंगे शहीद कहलाएंगे, देखो भाई हम तो ये आंदोलन खड़ा कर रहे थे इनके खिलाफ। अरे तो यात्रा तो कल शुरू होनी है, आप आज ही क्यों नहीं काम कर लिए? अगर नेशनल हेराल्ड को लेकर ही उन्हें इतना डर है तो ये कार्यक्रम तो काफी पहले से घोषित है, आपने क्या कर लिया, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए हमें थोड़ा ही करना, कानून अपने हिसाब से काम करना करता है। जब उसको लगेगा कि दोषी तो वो है, इसमें कोई शक नहीं, और जो लगाए हुए हैं उन्होंने तो डॉक्टर स्वामी ने कहा कि भाई इनको तो 12 साल की जेल होनी है, तो ये वस्तुतः कांग्रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। आपको याद है ना चिंतामणि जी, सुब्रमण्यम स्वामी आजकल आपकी सरकार के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं, केवल राहुल गांधी के संदर्भ में टिप्पणी आपको याद है, या आपकी सरकार के कामकाज को लेकर उनकी टिप्पणी भी आपके जहन में? और डरने की जरूरत अगर किसी को है तो राहुल। अरे चिंतामणि जी, पहले सुब्रमण्यम स्वामी पे कमेंट तो दे दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया 12 साल इन्हें जेल में काटने पड़ेंगे, बहुत गंभीरता से आपने लिया। वो आपकी सरकार के कामकाज को लेकर भी आजकल बहुत टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी आप उतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मैंने यही कहा कि राहुल गांधी जी के से डरने की जरूरत कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के डरने से कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, उन्हें तो नेता बनाइए, अध्यक्ष बनाइए, देखिए कल उन्होंने आटा लीटर में बेचा है, इस तरह वो करते ही रहेंगे। ऐसे कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मौजूद हैं, एक जुबान फिसलने को लेकर इशू बनाने में या अपनी सुविधा से एडिटिंग करके उसे प्रचारित करने के संदर्भ में पहले ही बहुत कुख्यात हो गए। चिंतामणि जी बख्शिए, थोड़े मुद्दों पर रहते हैं। मैं वापस चर्चा के लिए श्रवण जी के पास आना चाहता हूँ। श्रवण जी, आपकी तमाम नाराजगी के बावजूद भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के पास में एक बड़ा अवसर है अपने आप को साबित करने का, पार्टी को वापस खड़ा करने का? क्या आप ये अपेक्षा नहीं रखते हैं उनसे कि वह इसमें अपेक्षाकृत संजीदगी का अवसर दें? अगर मैंने ये सवाल उठाया कि क्या वो 150 दिन लगातार यात्रा में बने रहेंगे, लगातार 3575 किलोमीटर की जो यात्रा बताई जा रही है उसमें पूरा पैदल चलेंगे, क्या आप इस सवाल को गैर जरूरी मानते हैं या आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, इस यात्रा में उन्हें संजीदगी के साथ बने रहना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी रहे, पर अगर एक उम्मीद जगाई है, एक अलग जगाई है, अजय उपाध्याय जी अगर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले देश है और देश बचाने के लिए यात्रा है, तो ये यात्रा निर्बाध रूप से उनके द्वारा पूरी की जानी चाहिए, क्या कहते हैं श्रवण जी? क्योंकि मैं अजय उपाध्याय जी ने क्या कहा उस पर तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पर इस यात्रा के बचाव में कुछ बोल नहीं पाए जी, इसलिए उन्होंने क्या कहा वो तो मैं कोई बहुत उल्लेखनीय उनका वक्तव्य मानता नहीं हूँ जी। मैं चूंकि आपका कार्यक्रम लाखों लोग देख रहे हैं जी, और देखेंगे, और ये रिकॉर्डेड है जी, जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। हिमांशु जी, देश की आने वाली राजनीति में कोई एक नेता अब देश का नेतृत्व नहीं करने वाला है जी। और इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि राहुल गांधी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे या पार्टी का कर पाएंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे, अब जमाना सामूहिक नेतृत्व का है। विपक्ष की जो राजनीति है उसमें राहुल गांधी भी एक हैं।